फिल्म का सारांश क्या है? टोटल ड्रामा है, टोटल मैसेज है। नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक सड़कों पर एक सिनेमा है, जो एक नारी अबला आपके डेट में है। सोशल मैसेज ड्रामा है, टोटल फैमिली ड्रामा है। लोग क्यों पसंद करेंगे इसको, दर्शक क्यों देखने जाएंगे? खास क्या उद्देश्य है? एक जो औरतें होती है, जो लड़कियाँ होती है, सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन लड़के की बुराई सहन नहीं कर सकती। कुछ इस तरह हमारा है ड्रामा इस फिल्म में, मैं रिवील नहीं करता। तो सिनेमा क्यों देखने आएंगे है उसमें कुछ ऐसा। देखिए वर्तमान में कोर्ट केस बहुत बढ़ रहे हैं, तलाक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा आपने मैसेज दिया है इसकी स्टोरी के बारे में? है स्टार कास्ट का फिल्म का। इसमें अक्षरा सिंह जी हैं, विक्रांत जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं, हमारी विजय नीलम है, बीना पांडे जी हैं, निशा जी हैं, सोनू पांडे जी हैं, रामा वर्मा जी हैं, पुण्य किशोर गुप्ता हैं, बलराम पांडे हैं, राजेंद्र मिश्रा हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। कमी ड्रामा है तो बहुत सारे कलाकार हैं। रिकॉल प्रोडक्शन, रिकॉल जो है हमारी जो बैनर है, हमारे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर उन्होंने, इनकी भोजपुरी पहली फिल्म है, मुझे मौका इन्होंने दिया फिल्म बनाने के लिए, उसी से एक अच्छी फिल्म बनाऊँ। हमारे तमाम कलाकार बहुत अच्छे हैं, उसकी बहुत अच्छी है, तो कोशिश रहेगी जो हम फिल्म बनाएंगे तो ऑडियंस हमारी फिल्म को सराहना करेगी, क्योंकि है सिनेमा में कुछ है जो हम यहाँ रिवील नहीं करना चाहते हैं। सिनेमा के माध्यम से अभी सिनेमा देखेगी लोगों को पता चलेगा क्या है। बारामंकी में शूट करने का रीजन है? नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं तो उसके पहले भी फरिश्ता लखनऊ में, तो इतनी चौथी फिल्म फिल्म सिटी बन रही है, तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ गवर्नमेंट बहुत सहयोग करती है, इस कारण से मैक्सिमम सिनेमा हमारी भोजपुरी और भी पास है, हिंदी सिनेमा यहाँ उत्तर प्रदेश में शूट हो रही है। बाराबंकी विशेष नहीं, यहाँ पे चलिए जो मुझे घर चाहिए था, जो लोकेशन चाहिए था, जो आप जो सेट अब देख रहे हैं वो हमारे मतलब हीरो का घर है। हाँ, कहानी के डिमांड पे घर मुझे मिला, बहुत अच्छी जगह, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, बहुत प्रेशर कॉर्पोरेट कर रहे हैं लोग। IPL में भोजपुरी में इस बार कमेंट्री हुई थी जी, कैसा फील कर रहे हैं? अपनी भाषा किसको पसंद नहीं आती, अच्छी लगती है मिट्टी, अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है। संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी कोई कंटेंट वगैरह क्यों नहीं बता पा? तिवारी जी तो बड़ा मुद्दा उठाते थे, अब सांसद हो गए, उन्होंने असेंबली में मुद्दा ही नहीं। हमारे सांसद जितने भी हमारे तीनों सांसद उठाते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि हमारा जो भोजपुरी भाषी वर्ग जो है वो बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए भोजपुरी को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, हमारे भोजपुरी को अलग कर, तो हिंदी कमजोर पड़ जाता है, कुछ इस तरह से कारण है। हिंदी 35 करोड़ भोजपुरी भाषी, 35 करोड़ भी निकाल दीजिए हिंदी से, हिंदी सही है हमारी भोजपुरी। तो भोजपुरी के बारे में जो लिखक इस फिल्म को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तस्वीर का इस तरह का गाना है, तो इस तरह के कंटेंट जो परोसा जा रहा है उसके बारे में आप किस फिल्म में क्या अंतर है उससे, और आप क्या कहना चाहेंगे? होली में हमारी फिल्म आई थी, शायद आप लोग भी देखते होंगे, जो ताल्लुक रखते होंगे जहाँ इस तरह करके हमारी फिल्म, लोगों ने बहुत बढ़ के तैयार हुए सिनेमा, लेकिन जो इधर 2-3 दशक में दिखा नहीं। अभी पहले देखे एल्बम अलग है, हमारी फिल्म अलग, फिल्म के लिए सेंसर, फिल्म के लिए सेंसर, तो लोग क्या करते हैं एल्बम और फिल्म का एक साथ मिला देते हैं। ये बाराबंकी कैसा लगा आपको? बाराबंकी पहली बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और आज पहला दिन है, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि हम अच्छे से फिल्म बनाएं, अच्छे से काम करें, अपना पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छी फिल्म बना सकें। क्या मूवी, क्या मैसेज माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये फिल्म है एक तरीके से कह सकते हैं महिला प्रधान फैमिली ड्रामा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, और अच्छी अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं हमारे डायरेक्टर, तो एक अलग मैसेज मिलेगा।
विक्रांत जी का सभी ब्लैंक है लगता है, क्वेश्चन आ नहीं रहा है क्या विक्रांत जी? क्वेश्चन फिल्म देखने क्यों आएंगे लोग ऐसा बताइए कि क्यों देखना पसंद है? पहले आप अपनी बात कह लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जी। तो कुल मिला जुला के आज पहला दिन है और मतलब बहुत सी उम्मीद है हर फिल्म के साथ एक कलाकार का इमोशन जुड़ा। आने की प्रेरणा को कहाँ से? मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और मेरा एक तरीके से कह सकते हैं पालन पोषण ही फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है वैसा, तो मम्मी पापा से ही मिला है। एंड पहली फिल्म थी जिसमें मौका दिया मुझे रवि किशन जी ने, सो हाँ स्कूलिंग ही अलग हुई है मेरी। अक्षय, बॉलीवुड को कैसे देखती हैं आप? बॉलीवुड एज इन क्या पूछना चाह रहे हैं? किस तरीके से देखती हैं? तमाम मुद्दे उठते हैं, तमाम फिल्मों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की जाती है, आप क्या देखती हैं कि फिल्मों में इस तरीके की रिलेवेंसी जो होती हैं जो वर्तमान समय में इंडिया में हो रही हैं उनको किस तरह से देखती हैं अगर उनको फिल्मों में दिखाया जाता है? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स। सी आई रियली डोंट नो अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज़ यू नो समाज में अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, तो आप यू नो कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं कई चीज़ें बुरी भी होती हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा नज़रिया फिक्स हो गया है कि ये गलत है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उधर ही जाता है कि ये गलत है। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ फिलहाल, बिकॉज हम एक अच्छी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, आज पहला दिन है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करें तो बहुत मज़ा आए। आज की जनरेशन साउथ की फिल्में बहुत पसंद कर रही हैं क्योंकि एक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया और सांस्कृतिक ढंग से दिखा रहे हैं उनको, तो आपके फिल्म में ऐसा कुछ है? हमारी फिल्मों में भी ऐसा देखने को मिलेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर यू नो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम अच्छी फिल्में बनाएं, तो पहले जो हाँ अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो यू नो बड़ी बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, यू नो अलग प्रयास कर रहे हैं। जो सास बहू का झगड़ा चल रहा है ये कब मिटेगा? आपके हमारे घर में सास बहू का झगड़ा बंद हुआ है क्या? नहीं, पहल होनी चाहिए कि नहीं, ये चलता रहेगा कारवां? आई मीन ये सास बहू का जो तिगड़म है नहीं, अभी जैसे आप सास का रोल कर रही थी तो मैंने कहा कि अगर मजा नहीं अगर अगर वो कहे कि ये बेटी है हमारी बहू नहीं, और बहू सोचे कि हमारी माँ, तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है, माँ बेटी में झगड़ा नहीं होता है क्या? माँ बेटी में तो माँ बेटी में। अमित जी, अमित जी, अक्षरा जी रिश्ते में क्या लगती है आपको फिल्म में? फिल्म में मेरी पोती है, पापा से पोती, पहले पापा बनते थे, पहले पापा बनता था, प्रमोशन आपका तो प्रमोशन हो गया। अच्छा अच्छा, तो देश की बेटियां वहां पे बैठी अपनी आवाज उठा रही हैं और फिर महिला प्रधान फिल्म बना रहे हैं, संदेश जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सब चीज़ों के लिए, उसके बारे में आप क्या? आई मीन जो फिल्में होती है समाज का आईना होता है, हम ज्यादातर कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या फिल्मों के माध्यम से मैसेज देते हैं। समर्थन में आपने कभी ट्वीट किया या कुछ किया? डेफिनेटली किया है, महिला पहलवानों के बारे में। अच्छा, जो पहलवान धरने पे बैठे हुए हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उस पर आपको क्या टिप्पणी है? मैं डेफिनेटली उनके साथ हूँ, बीइंग अ गर्ल या महिला होने के नाते मैं उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, और हमेशा से मैं लड़कियों के साथ खड़ी रही हूँ, तो मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, तो जाहिर सी बात है पूरी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेती हूँ, ये है, और मैं डेफिनेटली उनके साथ। एक लास्ट वीडियो अक्षरा जी, आज फिल्म ज्योति की शूटिंग शुरू हुई है बाराबंकी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाराबंकी में मैं ज्योति फिल्म लेकर आई हूँ, ज्योति जलाने, और ऐसा कहा गया है कि जब जब अंधकार हुआ है ज्योति प्रकाश फैलाती है, तो इसी उम्मीद के साथ एक नई फिल्म लेकर आ रही हूँ मैं और लाल बाबू पंडित सर एंड तमाम हमारे एक और सर बगल में हैं अमित जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, नई फिल्म एक नई उम्मीद के साथ शुरू करने जा रही हूँ जो कि उसमें आप लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद। लाल द फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ काम है, पहला दिन है, कितना कुछ क्या कुछ खास एक्साइटेड है? सबसे ज्यादा घबराहट किसको, हीरोइन को या डायरेक्टर को? मैं नहीं घबराता, मैं कहाँ घबराता।
दादा जी आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर के? बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ मैं दादाजी मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार मेरे ख्याल से पहली बार ही दादाजी का रोल इससे पहले पापा अक्षय जी के फादर के रोल बन चुका हूँ ये मेरे लिए एक नया चैलेंज है और ये चैलेंज लाल बाबू जी ने ही दिया है ये बोले नहीं मुझे आप कॉन्फिडेंस है आप बहुत बेहतर करेंगे तो मैं बस वही प्रयास करने की कोशिश करूँगा। अक्षरा जी के साथ क्या कुछ पहले अनुभव था और आज क्या कुछ नया होने वाला है? नहीं हमेशा से ऐसी रही है और बहुत प्यारी लड़की है बहुत टैलेंटेड है और ईश्वर करे और ज्यादा तरक्की आशीर्वाद दे दीजिए जल्दी शादी हो जाए इनकी। थैंक यू सो मच थैंक यू मुकाम।